जंग के पहले हफ्ते यूक्रेन में दागी 500 से ज्यादा मिसाइलें, अमेरिका का दावा। यूक्रेन में जंग से और खराब हुए हालात, मानवीय संकट को लेकर यूएनएससी में होगी आपात बैठक। यूक्रेन जंग के बीच भारतीय वायुसेना ने टाला वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने रूस और बेलारूस के एथलीट को किया प्रतिबंधित। उत्तराखंड में यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा मिली। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मतगणना स्थल पर विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी तमाम सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया ताकि मतगणना में किसी तरह की परेशानी ना हो सके। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 48 नए मामले आए हैं, जबकि 269 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण दर अब लगातार 1% से नीचे बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून में सबसे ज्यादा 23 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं हरिद्वार में भी 6 नए मामले आए हैं। पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत व नैनीताल में 3-3, चमोली में 1, टिहरी, उधम सिंह नगर व उत्तरकाशी जिले में 2-2 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। पैड़ी, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां यूक्रेन से सकुशल लौटी तीर्थ नगरी की बेटी निशा अग्रवाल के पिता ने पीएम राहत कोष में 25,000 रुपए डोनेट किए हैं। वहीं इस दौरान निशा के पिता ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोशिशों के कारण ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जान बच पाई है। जिसके बाद निशा के पिता ने नगर निगम महापौर अनिता ममगाई से मिलकर उन्हें चेक सौंपा है। वहीं अनिता ममगाई ने भी उनके इन कार्य की प्रशंसा की है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ परिवार को, शुभकामनाएं देती हूँ उस बिटिया को, निशा अग्रवाल को। और जो कि बड़ी खुशकिस्मत ये बिटिया है कि जो फर्स्ट फ्लाइट यूक्रेन से इंडिया आई उसमें सबसे पहले नाम निशा अग्रवाल का था, तो हमारे लिए सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आभार व्यक्त करती हूँ पूरे ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मजबूत इच्छा शक्ति से और जिस प्रकार के संबंध उन्होंने विदेशों में अपने कायम कर रहे हैं, जो अच्छे मैत्री संबंध उन्होंने विदेशों के साथ में बना के रखे, आज उसी का परिणाम है कि किस प्रकार से हमारे वहाँ से जितने छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो नागरिक वहाँ पे फंसे हुए थे, वो सकुशल अपने वतन वापसी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में लगभग सभी लोग वहाँ से वतन वापसी हो जाएंगे। मतलब हमारे उधर जो जहाँ मैं रहती थी वो चरणवीत सिंह है, वहाँ पे वो वेस्टर्न पार्ट में है, तो मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ अभी था नहीं, पर इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये कदम उठाया कि वेस्टर्न पार्ट से बच्चों को ले जाएं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट हमारे बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर है, और ऊपर से वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं था तो जल्दी बच्चे निकल जाएं। तो इसलिए हमारा ग्रुप वाइज हुआ, तो मैं, मेरा लकीली फ़र्स्ट ग्रुप में ही नाम था, तो फिर 25th को मैं निकली और डायरेक्टली मैं वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर पहुंची। उधर बसेस सब इंतज़ाम अच्छे से था, उधर से मैं गई, उधर जो एयरपोर्ट था उधर एम्बेसी के लोग भी थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से हमारा पूछा, जो भी तुम्हें खाना पीना कुछ भी दिक्कत है तो मतलब वो पूरा हेल्प कर रहे थे। फिर उधर से फ्लाइट थी मेरी मुंबई की, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट वहाँ मुंबई की थी, फिर वहाँ मुंबई से फिर मैं घर।
शिक्षा का हब कहलाने वाला श्रीनगर शहर गढ़वाल से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सराफा धर्मशाला के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। उस मासूम के शव को कुत्ते ने बुरी तरह से नोच रखा है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा शव को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नवजात की उम्र 7 से 8 दिन की रही होगी। वहीं इस मामले पर श्रीनगर कोतवाली हरिओम चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला हरिद्वार के गांव में धनोरी तेलीवाला संपर्क मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास 11,000 वाट बिजली का पोल जर्जर हालात में खड़ा दिखा। वहीं उस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यह पोल काफी समय से खड़ा है और बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहां से गुजरते हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर मात्र 500 मीटर की दूरी पर विभाग का मुख्य कार्यालय भी है, जहाँ आला अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन इस लापरवाही पर किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इस मामले में SDO नितिन कुमार से बात की तो उनका कहना है कि अब यह बात हमारे संज्ञान में आ चुकी है और अब इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मतगणना के दिन EVM और पूर्व पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गणना के जिले के सभी विधानसभा में 10 टेबल लगेंगे। हर टेबल पर गणना सुपरवाइजर, 2 गणना सहायक, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशी चौहान की अध्यक्षता में पोस्टल बैलेट की गणना के लिए कार्मिक व रेंडमाइजेशन किया जाएगा, जबकि पोस्टल बैलेट की गणना के लिए रिजर्व सहित 192 कर्मियों की तैनाती की गई है। मतगणना के लिए सभी कर्मियों को शनिवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चमोली में GIC नारायणबड़ और GIC असेड सिमली का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेब योजना शिविर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। इस मौके पर शिविर के दौरान बेहतर कार्य करने वाले स्वयं सेवी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में NSS की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह छात्र छात्राओं को व्यक्ति वह निर्माण में विशेष सहायक है। उन्होंने 7 दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवी छात्र छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम, नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान, पेंटिंग प्रदर्शनी के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाने की सराहना की है। जो NSS का ये 7 दिवसीय विशेष शिविर रहा है, उसमें छात्रों ने बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम और दिन में मध्याह्न भोजन के उपरांत वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिताएं, अंताक्षरी, बहुत सी एक्टिविटीज़ बच्चों ने की और उसमें बहुत से बच्चों ने NSS का जो उद्देश्य है वो सही उद्देश्य क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास। विद्यालय की जो पढ़ाई है क्लासरूम तक ही सीमित है, लेकिन असली जो बालक का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तीनों ही विकास होना चाहिए, तो वो NSS का लक्ष्य है। हमारे द्वारा यहाँ पर समाज से जुड़कर समाज में फैली कुरीतियों तथा भावों, अलग अलग विचारधाराओं को जाना तथा उन्हें दूर करने के लिए एक समाज सेवी के रूप में भी प्रयत्न किया गया। हमारी कार्यक्रम अधिकारी की उपस्थिति में हम सब लोगों द्वारा समाज से जुड़कर सामाजिक विचारधाराओं को तथा सामाजिक जो पुराने ज़माने के व्यक्तियों की सोच होती है उन्हें बदलकर एक अच्छी सोच तथा भारत के विकास में अमूल्य योगदान दिया। आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए कार्मिकों के लिए आज प्रेक्षागृह पौड़ी में मतगणना प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोजित प्रशिक्षण में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में 450 कार्मिक शामिल थे। इस अवसर पर कार्मिकों को मतगणना और EVM की संपूर्ण जानकारी दी गई। EVM मशीन की जानकारी देते हुए परियोजना सुजल दीपक रावत ने कार्मिकों को कहा कि मतगणना से पूर्व EVM मशीन की भली भांति जांच करें। युद्धग्रस्त यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। घर पहुंचने पर छात्र जहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। बीते दिन यूक्रेन से विकासनगर तहसील के धर्मवाला गांव का छात्र अपने घर लौटा। यूक्रेन से लौटे छात्र सागर सैनी ने कहा कि शुक्र है मैं घर लौट आया हूँ, वहाँ की हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसी के साथ छात्र ने वतन वापसी पर PM मोदी के प्रयास की सराहना की, साथ ही फंसे हुए छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाने की अपील की है। देखिए, पहली बात, हमें निकलते ही ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मार्शल लॉ अभी यूक्रेन में लगा है,
तो ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आई। हमने अपनी बस बुक की है, उसके बाद हम लोग बॉर्डर तक आए हैं। बॉर्डर से भी 5 किलोमीटर पहले बस को रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया आपको मार्शल लॉ लगा है, बॉर्डर तक बस नहीं जा सकती है, तो 5 किलोमीटर के लगभग हमें पैदल चलना पड़ा। उसके बाद बॉर्डर पे हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, लगभग मान लीजिए 2-3 हज़ार लोग अटके हैं वहाँ पे ऑलरेडी, तो वो बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा, तो ये दिक्कत आई, 2 रात हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। इसी का सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही खुशी हुई, और मतलब ऐसे संकट से निकल कर आ रहा बच्चा, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी हमारे लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और मोदी सरकार को कि बच्चों को ऐसे हिसाब से निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने। खबर रुड़की से है, जहां के सोत मोहल्ला के धोबी घाट पर भीषण आग लग गई, जिससे घाट पर बने कमरों में लाखों का सामान और कपड़े जलकर राख हो गए। वहीं सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ये ऐसे तो किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सभी धोबी भी यहाँ पे मिलकर कपड़े धोते हैं, और जो मतलब जो है नहीं धुलते तो वो कमरे में रख जाते हैं, और रात को किसी ने आग लगा दी, और रात को 3 बजे यहाँ से एक बंदा घर पर पहुँचता है और बताता है कि भाई वहाँ तुम्हारे धोबी घाट में आग लगी है कमरों में। चौकीदार गया था, 8-9-10 लाख का है लोगों का है ये, हमारा अपना तो है नहीं, सभी कस्टमरों का है, किसी का होटल का है, किसी का हॉस्पिटल का है, किसी का टेंट का है। 3:10 पर हमें सूचना मिली कि धोबी घाट पर आग लगी है, जिस पर तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए अपनी दोनों गाड़ियां, एक छोटी गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी को MFU को भेजा, क्योंकि वो कंजेस्टेड एरिया था और वहां पर एक लोहे का रोड पर बैरियर लगा हुआ था, इस वजह से हमने एक छोटी गाड़ी भी उसी के साथ साथ भेजी। वहां पर देखा तो आग कपड़ों के गठरियों में आग लगी हुई थी, किसी से बीड़ी कोई छूट गई है या पीछे से उनकी जो खिड़की, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे लोग तो रहते नहीं है, और पीछे से खिड़की से भी शायद किसी ने ऐसे ही कोई चिंगारी वहाँ स्टोर तक पहुँचाई गई है, तो उसमें उनका लगभग आज सुबह भी मैं गया तो वहाँ पर जांच करे तो लगभग 3.5-3.75 लाख के आसपास का नुकसान। उत्तराखंड के धोबी घाट में आग लगने से काफी नुकसान झेलना पड़ा है, और वहां के धोबी का कहना है कि ये कस्टमर्स के कपड़े थे, होटल एंड हॉस्पिटल के कपड़े थे, जिससे उन्हें खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।